साइंस टीचर लाइबा फैसल और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर द ह्यूमन बॉडी की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी और उसका ऑलमोस्ट रिटन वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आज क्या करेंगे, हम बुक में कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। इसके लिए आप जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 6 और 7 खोल लें। जी तो जब आप अपनी बुक का पेज नंबर 6 खोलेंगे तो आपको इस तरह से एक्सरसाइजेस शो होंगी। नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। आपने सही आंसर पर टिक लगाना है। नंबर 1, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज टू होल्ड अ पेंसिल। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने बताना है इनमें से कौन से पार्ट को आप इस्तेमाल करते हैं अपनी पेंसिल पकड़ने के लिए। फिंगर्स, नेल्स, टोज, एल्बोज। तो पेंसिल आप पकड़ते हैं फिंगर से। नंबर 2, व्हाट डज अ किटन ग्रो इनटू। किटन ग्रो करके क्या बनती है। किटन कहते हैं बेबी कैट को, बिल्ली के बच्चे को। बॉय, डॉग, गर्ल या कैट। सो कैट। नंबर 3, हाउ मेनी थम्स डू ह्यूमंस हैव। इंसानों के पास कितने अंगूठे होते हैं। पूरी बॉडी की बात कर रही हूँ, पूरी बॉडी में कितने अंगूठे होते हैं। एक आपके सीधे हाथ पर, एक उल्टे हाथ पर, इसी तरह 2 पाँव पर होते हैं, तो टोटल 4 थम्स हैं। नंबर 4, विच ऑफ दीज इज अ लिविंग थिंग। इनमें से कौन सी लिविंग थिंग है। बाइसाइकिल, क्या बाइसाइकिल ग्रो करती है, उसको फूड की जरूरत होती है, नहीं। हैट, नो। क्रो, यस। क्रो कव्वे को कहते हैं, कव्वा एक लिविंग थिंग है, वो ग्रो भी करता है और उसको फूड की भी जरूरत होती है। इसी तरह नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपने बताना है कि इनमें से ह्यूमन बॉडी का पार्ट कौन सा नहीं है। हेड, सर, नेक, गर्दन, टेल, दुम, बैक, कमर। इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपकी बॉडी में नहीं है। सो वेरी गुड, टेल यानी दुम हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क दीज सेंटेंसेस विद ट्रू, करेक्ट और फॉल्स, यानी टिक या क्रॉस लगाना है आपने और बताना है कि सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं। तो नंबर 1, ऑल ह्यूमन बीइंग्स बिगिन लाइफ एज बेबीज। सारे ह्यूमन बीइंग, सारे इंसान शुरू में बेबीज होते हैं, तो क्या ये ठीक है। यस, आप भी पहले एक बेबी थे, आपके बहन भाई भी बेबीज थे, आपके पेरेंट्स भी पहले बेबीज थे। सो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बेबीज इन द बिगिनिंग। नंबर 2, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। तमाम लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है। ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो ये भी करेक्ट है। नंबर 3, ऑल चिल्ड्रन लुक द सेम। सारे लिविंग थिंग्स, सारे बच्चे दिखने में एक जैसे होते हैं। क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं। आपका अगर कोई और छोटा बहन भाई है तो वो आपके जैसा नहीं लगता, या कजन्स में आप देख लो या अपनी क्लास के स्टूडेंट्स में देख लो, तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। नंबर 4, प्लांट्स डू नॉट नीड फूड टू ग्रो। पौधों को बढ़ने के लिए खाने की जरूरत या खुराक की जरूरत नहीं होती। तो ये जुमला क्या है, गलत। याद है आपको हमने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है और प्लांट जो है वो लिविंग थिंग्स हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। नंबर 5, ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। इंसान, पौधे और जानवर ग्रो करते हैं, तो क्या ये ठीक है। यस, ये ठीक है, ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। टिक द एक्सरसाइज 3 है, टिक द लिविंग थिंग्स क्रॉस द नॉन लिविंग थिंग्स। जो आपके पास लिविंग थिंग्स होंगी उनको आपने टिक कर देना है और जो नॉन लिविंग थिंग है उसको आपने क्रॉस कर देना है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, प्लांट हमारे पास मौजूद है, पौधा है एक, तो ये लिविंग थिंग है, इसको हम टिक कर देंगे। कैट,
लिविंग थिंग है, टर्टल लिविंग थिंग, हैट लिविंग थिंग नहीं है, स्पाइडर लिविंग थिंग, हाउस नॉन लिविंग थिंग, टॉय नॉन लिविंग थिंग, कार नॉन लिविंग थिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट द पिक्चर्स बिलो, आपने इन तस्वीरों को देखना है। सर्कल द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर ईच एक्शन, कौन सा काम करने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज हो रहा है। तो सबसे पहले ये क्या देख रहा है, ये क्या कर रहा है, कुछ टाइप कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर पे कुछ लिख रहा है, तो इसके हैंड्स यूज होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर में इसने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, तो ये कुछ सुन रहा है, और सुनने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है, आईज या ईयर्स। ईयर्स, वेरी गुड। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखें, ये कुछ देख रहा है, तो देखने के लिए कौन से पार्ट्स यूज किए जाते हैं, आईज या ईयर्स। वेरी गुड, आईज। इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर में आपको एक लड़की नजर आ रही है जो कि फूल सूंघ रही है, तो अब सूंघते कहाँ से है, माउथ से या नोज से। वेरी गुड, नोज। नेक्स्ट, ये बच्चा अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है, ठीक है। अब घुटनों को क्या कहते हैं, ये बैठा हुआ किसकी मदद से है, घुटनों की मदद से, जिसे हम इंग्लिश में नीज कहते हैं। नेक्स्ट, आपके पास एक आदमी है जो के साइकिल चला रहा है, आई गेस, तो साइकिल चलती है लेग्स की मदद से। नेक्स्ट है, एक लड़की है, वो कुछ खा रही है, और खाते कहाँ से हैं, मुंह से, माउथ, ईयर्स या माउथ में से, आपने ईयर्स को चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका होमवर्क है, आपने एक वर्कशीट करनी है, आपको अपनी स्लाइड पर ये एक वर्कशीट नजर आ रही है। आपने करना क्या है कि ये मुख्तलिफ आपको चीजें दी गई हैं, जैसे ये इंसान है, आपने सिंपली सिर्फ एक काम करना है कि आपने इनकी स्टेजेस के नंबर लिखने हैं। जो सबसे छोटा है उस पे आपने नंबर 1 लिखना है, जो सबसे उससे बड़ा है उस पे नंबर 2, और जो सबसे बड़ा है उस पे नंबर 3। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ, इस ये ह्यूमन बीइंग्स में अगर आप देख रहे हैं, तो ये सबसे छोटा है, तो इसमें आपने यहाँ पे बॉक्स में 1 लिखना है, ये उससे बड़ा है तो यहाँ पे आपने 2 लिखना है, और ये सबसे बड़ा है तो ये आपने 3 लिखना है। इसी तरह आपने प्लांट्स में और इन बर्ड्स में भी देख कर यहाँ पे बॉक्सेस में नंबर्स लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है, और ये होमवर्क आपने योर क्वेरीज के बॉक्स में सबमिट करवाना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।